जी अरे ये कब हुआ? जी मैं आता हूँ। तो वैसे ही इतनी महंगाई है, 100 रुपए किलो प्याज, ऊपर से ये सब तेरवी, खाना खिलाना लोगों को, इतने महंगाई के जमाने में सब कैसे होगा? एक आम इंसान ही खर्चे कैसे करेगा? यार मेरे हिसाब से तो ना एक उम्र के बाद जिंदगी जीना भी बोझ बन जाती है। आजकल के जमाने में वैसे भी 60 के ऊपर जीना तो व्यर्थ है भाई, अपना भी खर्चा बढ़ाओ और दूसरों का भी। अरे क्यों इतना परेशान है? अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे मौत मिल जाए, और वो मौत भी 7 दिन में मिल जाए तो अच्छा है। ऐसी क्यों बात कर रहा है तू? एक उम्मीद जगी है कि मेरी चिता को भी कोई आग देने वाला मिल जाएगा। इस महंगाई के जमाने में थोड़ा तो कोई खर्च कर ही लेगा, और अब मेरा यहाँ बचा ही क्या, अकेला हूँ। मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भगवान मुझे अपने पास बुला ले तो वही अच्छा है, और वो भी 7 दिनों। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्यों, 8 दिन हो गए, अब भी तो जिंदा है। अब बता भी दे क्या बात थी।
मुझे लगा था वो भारी छूट मेरे भी कुछ काम आ जाएगी। अरे मूर्ख, ये लाभ हानि नफा नुकसान ये ऊपर वाले के हाथ में, तू क्यों चिंता करता है? जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरा अब तक इतना ध्यान रखा, वो आखिरी समय में भी तेरा ध्यान रखेगा। जिंदगी और मौत उसके हाथ में। ये पेड़, ये हवा, ये पानी, ये आकाश और तू खुद, ये सब एक प्रकृति है और प्रकृति ऊपर वाले के हाथ में, उसको उसी पे छोड़ दे। देख देख उधर, वो जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, हंस रहे हैं, हर क्षण को जी रहे हैं, हर क्षण को जी, हर सांस को जी, यही जिंदगी है। ये मत सोचो तुम अकेले हो, तुम प्रकृति के साथ हो और प्रकृति तुम्हारे साथ हो, इसलिए उसी तरह जी, जाओ उसी तरह।